इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वतरङ्गवे विभिन्नी से कभी कुछ नहीं मांगा गोविंद, लेकिन आज कुछ मांगने की इच्छा हो गई। भगवान उनके सामने खड़े, भीष्म के पैरों की ओर चरणों की ओर खड़े तो सम्मुख दिखाई दे रहे। भगवान ने कहा मांगो पितामह। भीष्म बोले मेरी एक बेटी है और अपनी वो बेटी मैं आपको देना चाहता हूं, आपको समर्पित करना चाहता हूं। भगवान भीष्म पितामह की उस बेटी का नाम क्या है? बहुत सुंदर था, उसका नाम है मति। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि, मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता हूं। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, ये बुद्धि रूपी बेटी मुझे प्रदान मत करो। जीव जब बुद्धि रूपी पुत्री प्रदान करता है मुझे तो बुद्धि के साथ में तृष्णा भी आती है। बोले विगता तृष्णा वितृष्णा, अब मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है, अब मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। विगता तृष्णा वितृष्णा, भगवान कहते हैं तो बुद्धि रूपी बेटी सौंपनी है तो किसी सुंदर को सौंपो भैया। अरे हम तो काले हैं, जन्म से काले थे ही, तो काली नाग से युद्ध हमने जब युद्ध किया तो और काले हो गए। तो भीष्म कहते हैं त्रिभुवन कमलम कमाल वरणम रवि कर गौरवरा इसमें कहते हैं आपसे सुंदर कौन होगा, तमाल वर्ण है आपका। हमारे ब्रज में एक श्याम तमाल का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसको हमारे यहां कृष्ण ही माना जाता है। आपकी सुंदर श्याम वर्ण की कांति, बपुरल ककुला व्रतानन आब्जम,
आपके अद्भुत मुखारविंद पर अलकावलियां हैं, आपके केस बिखर कर आ रहे हैं। हा हा, हे विजय सखी, हे अर्जुन के परम सखा, आपके चरणों में मेरी रति हो जाए, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। और आप तो इतने दयालु हो केशव, अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े इसकी परवाह नहीं, पर भक्त की प्रतिज्ञा को आप टूटने नहीं देते। ये आपका सौष्ठव रूप है, ये आपका स्वभाव है, यही तो आनंद की बात है। यानी दुर्योधन अर्जुन दोनों मांगने के लिए गए भगवान से, तो दुर्योधन ने कहा आपकी सेना मुझे दे दो। भगवान से अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए, सेना नहीं। कन्हैया बोले काहे को मुझे मांगते हो, मां मुरलिया बजवानी है क्या? अरे युद्ध में तो लड़ने वाला चाहिए, और मैं भैया युद्ध में तुम्हारी तरफ रहूंगा अभी, तो धनुष बाण तलवार कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली भगवान ने कि महाभारत में कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। और जब युद्ध होने लगा, भीष्म पितामह कौरवों की सेना के सेनापति जब बने और सामने अर्जुन के रथ पर सारथी बने कृष्ण को देखा, तो भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिहीन शस्त्र कहा इन्होंने प्रतिज्ञा की है मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। आज यदि कृष्ण के हाथ में शस्त्र ग्रहण नहीं कराया तो मैं शांतनु का बेटा नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं। महाराज भीष्म ने बाणों की बौछार लगाई, एक बाण में से हजारों बाण निकलने लगे। अर्जुन का मुकुट नीचे गिर गया, अर्जुन की बाजुओं में बंधने वाली जो बाजूबंद है वो टूटकर गिर गई। अर्जुन ने जो कवच पहना हुआ था वो कवच भी फट गया, गिर गया। भगवान बोले अरे 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 अर्जुन कुछ कर भाई, ये बूढ़ा बाबा कमाल कर रहा है। अर्जुन बोले भीष्म पितामह है इनका नाम, इनसे युद्ध करना कोई मजाक नहीं है केशव, मैं कर रहा हूं ना, मैं चेष्टा कर रहा हूं। भीष्म ने बाणों की बौछार लगाई और ऐसी बौछार के एक दो बाण तो कृष्ण के चरणों में पहुंच गए और एक दो बाण तो महाराज घोड़े के भी लगने लगे। भगवान ने कहा अरे अरे ये बाबा कमाल कर रहा है, ये तो मेरे अर्जुन को मार डालेगा। मेरे गोविंद अपनी सारी प्रतिज्ञा भूल गए और अर्जुन के रथ से धड़ाम से नीचे कूद गए और सामने पड़ा था कोई किसी रथ का टूटा हुआ चक्का। उस टूटे हुए चक्का को मेरे गोविंद ने उठाया और जैसे भीष्म को मारने के लिए दौड़े, पृथ्वी कांपने लगी। भगवान की प्रतिज्ञा टूटे तो पृथ्वी कंपित हो जाती है, तो भगवान का उत्तरीय वस्त्र ये पटका नीचे गिर गया और मानो वो पटका समझा रहा है कि तुम घबराओ नहीं देवी, ये तो अपनी प्रतिज्ञा भक्त के लिए तोड़ी है। वास्तव में भगवान की प्रतिज्ञा नहीं टूटी, भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करना है। पृथ्वी कांपने लगी, भीष्म ने दोनों हाथ फैला दिए, अपने धनुष बाण भी अलग रख दिए और कहा मार डालो केशव मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे, अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने को तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, यही तो मैं चाहता था और मैं पास हो गया। आज भीष्म याद कर रहे हैं बाणों के सैया पर पड़े पड़े वो दृश्य उनको याद आ रहा है। स्वानी गम मपहाय मत्रते या मत मदिक मवपुतो रथस्ता, स्वानी गम मपहाय मत्रते या मत मदिक चरणों जय जय।
कर ली थी, और मेरे मुरलीधर आप मुझे मारने के लिए दौड़े, हाथ में रुतकों चक्कों लेकर गए, तो कैसा लग रहा था मालूम है? ऐसा लग रहा था मानो मानो कोई शेर किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि शेर आप थे तो हाथी से कपन अपन भी नहीं थे, हाथी से कम तो हम भी नहीं थे। लेकिन पृथ्वी जब कांपने लगी तो गतोत्तरीय आपका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया, और उसने पृथ्वी को समझाया, डरो नहीं, ये तो भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। भगवान की प्रतिज्ञा कभी टूटती है क्या? भगवान का नाम तो अच्युत है, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम और उधर जानकी नायकम रामचंद्रम भजे।